अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पालक गोश्त की रेसिपी तैयार करूंगी। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स, सबसे पहले 2 किलो पालक, इसे मैंने पानी में बॉईल करके इसका पानी फेंक दिया है। आधा किलो गोश्त, ये बीफ का है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 9 अदद हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी हुई हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक एंड 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून फ्रेश मिल्क क्रीम, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 मीडियम साइज़ के आलू और 1 कप कुकिंग ऑयल। प्रेशर कुकर में सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। और इसके नीचे मैंने हाई फ्लेम ऑन कर दी है। कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर अनियन ऐड कर दूँगी। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, अब इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे स्लाइसेस में कटी हुई। और इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। प्याज को मैंने 5 मिनट तकरीबन फ्राई कर लिया है, इसका कलर लाइट ब्राउन हो गया। अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूँगी। गोश्त ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी। मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी, टमाटर, हरी मिर्च, सुरख मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1.5 टेबल स्पून है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 मग पानी ऐड कर दूँगी गोश्त गलाने के लिए। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसका प्रेशर लगा दूँगी गोश्त गलाने के लिए। 12 मिनट का मैंने इसे प्रेशर लगाया था, गोश्त तकरीबन गल गया। अब मैं इसके अंदर मिल्क क्रीम ऐड कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से इसे मैं भून रही हूँ। अब इसके अंदर मैं आलू ऐड कर दूंगी। आलू ऐड करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा भूना है, इसके नीचे मैंने फ्लेम हाई कर दिया है। अब मैं इसके अंदर पालक ऐड कर दूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसका ढक्कन लगा के रख दूंगी आलू गलने के लिए, और फिर साथ ही पालक भी तैयार हो जाएगा। आलू गलने के लिए रखेंगे तो इसके नीचे फ्लेम मीडियम रखनी है। 25 मिनट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रखा था। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी। आलू भी गल गए हैं और पालक भी बन के तैयार है, ये देखें। अब मैं इसके अंदर कसूरी सूखी मेथी ऐड करूँगी। कसूरी सूखी मेथी ऐड करके अब मैं इसका ढक्कन लगा के रख दूँगी। गोश्त को
गोश्त की रेसिपी बनके तैयार है। आज मैंने आपको बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बताई, आप इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।